मेहता का उल्टा चश्मा। पत्रकार पोपटलाल और भारती, ये लोग कैसे जिंदा बच गए? मैंने तो उन्हें ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया था। ईमानदार व्यापारी जसवंत भाई और दवाई की कालाबाजारी करने वाला मदन लाल दोनों एक ही आदमी है। ओके। अरे कमाल करते हो, इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो। मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? मुझे कालाबाजारी करने वाला कहते हो? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? अगर नहीं है तो मुझे जाने दो, मुझे बेवजह तुम इस तरह परेशान मत करो। बेवजह? बेवजह? इतनी जल्दी भूल गए कि तुम दवाई की कालाबाजारी करते हो? देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूं। कौन है? कौन है आप? ओहो, हमें जानते भी नहीं हो, इतनी जल्दी भूल गए? कि अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे और भारती को जान से मारने की कोशिश की थी। और आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों को जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही है। हाँ, हमारे रिसोर्ट में मेरे साथ काम करने वाले करण को अपनी माँ के लिए 800 रुपए का इंजेक्शन 24,000 में खरीदना पड़ा। देखो, इन सब बातों से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप झूठे इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। देखिए, अगर आपने मुझे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की ना, तो मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगा, आपको कोर्ट के धक्के खिलवाऊंगा। बोलो, है कोई सबूत? अगर है तो दिखाओ, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब मुझे जाने दो। अरे बाप रे, कहां गया सबूत? सबूत नहीं मिला तो ये छूट जाएगा। देखो पपड़लाल, बिना सबूत के कानून के पंजे और पुलिस के डंडे भी कुछ नहीं कर सकते। तो पत्रकार पोपटलाल, अब मैं चलूं? बिना सबूत के तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते, और मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। और आप सब सारी जिंदगी परेशान रहोगे कि मदन लाल को पकड़ नहीं पाए। गुड बाय एवरीवन, एंड नेवर सी यू अगेन। इंस्पेक्टर साहब, मैं जा सकता हूं ना? हाँ, जब सबूत नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं। एक मिनट रुको, सबूत है। मैं लेकर आता हूं। अरे, ये पोपट भाई कहां चले गए? क्या पता, समझ में नहीं आता क्या कर रहा है ये? क्या सबूत लाएगा, क्या बहानेबाजी कर रहा है ये? ये आजकल के पत्रकार नाम कमाने के लिए किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। प्लीज, मैं कहता हूं मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे रुको तो सही मदन जी, अब इतना देर रुके हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। ले आने दो पोपटलाल को सबूत, देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अब तक नहीं आया, कहीं भाग तो नहीं गया? भाग गया वो। आएगा आएगा। अरे एक मिनट रुक, पोपटलाल आ गया।
कहाँ गया? तो भाई लाए सबूत। ये रहा सबूत। मेरे हर मौसम का साथी, मेरा हमदम, मेरा हम सफर, मेरा छाता। अरे यार सबूत दिखाओ ना, ये छाता क्या दिखा रहे हो पोपटलाल? मदनलाल, तुमने मेरा स्टिंग ऑपरेशन स्पेशल कैमरा वाला पेन तोड़ दिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन एक गलती कर बैठे। जब तुम्हारे आदमी मुझे पकड़कर लाए और पानी में फेंक रहे थे, तब मेरा छाता गिर गया था। वो गिरा नहीं था, मैंने गिरा दिया था, क्योंकि इस छाते में कैमरा छिपा हुआ है। ओह माय गॉड, छाते में कैमरा! अरे वाह पोपटलाल! अरे आप क्या इसकी बातों में यकीन कर रहे हो? बकवास कर रहा है? बकवास तुम कर रहे हो। मेरे छाते में वाटरप्रूफ कैमरा लगा हुआ है, ये देखो। फंटास्टिक आइडिया पोपटलाल। इसमें तुम्हारा सारा प्लान, तुम्हारी सारी बातें, तुमने हमारे साथ जो सुलूक किया, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। देखना चाहते हो? इसमें सारा सबूत है। अरे छाता क्या दिखा रहे हो पोपटलाल, उसके अंदर का वीडियो है वो दिखाओ, वो सबूत बनेगा। मैं अभी टैब लेकर आता हूँ। अरे अभी तो तुम मेरे कब्जे में हो, अपने बारे में सोचो। स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे ना मेरा, मैं तुम्हारा ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि जिंदगी में कभी किसी के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकोगे। इसी कलम को अपना हथियार बनाकर मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे ना, अब देखना, ना रहेगी कलम और ना होगा कोई स्टिंग ऑपरेशन। कितनी चालबाजी से मैंने ये दवाई और इंजेक्शन और वैक्सीन की काला बाजारी का धंधा जमाया है। आज तक पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी है, तो तेरे जैसा पित्ती सा पत्रकार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझे पकड़ने का, आज तुम्हारा वो शौक मैं शौक दे के पूरा करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा हूं, मेरे रास्ते से खत्म कर रहा हूं। एक बार ये मेरी बड़ी डील आखिरी डील हो जाए, बाद में मैं ये शहर सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चला जाऊं। वहां पर मदनलाल की मीटिंग खत्म और यहाँ पर इन दोनों की जिंदगी खत्म। मदनलाल को पकड़ना इतना आसान नहीं। ये मदनलाल इतने टाइम से काला बाजारी का धंधा कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई मदनलाल को पकड़ने की। अब बोलो जसवंत भाई उर्फ मदनलाल, क्या कहते हो, हम पर केस करोगे या जेल जाओगे, या भी यही कहोगे कि ये सब झूठ है? शर्म करो शर्म, लोगों की मजबूरी का इतना फायदा कैसे उठा सकते हो?
20,000 का इंजेक्शन 1.5-1.5 लाख में बेचते हो। अरे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके 2 पैसे बचाते हैं अपने बुरे वक्त के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से उनकी सारी बचत एक झटके में उड़ जाती है। बुरा वक्त कोरोना नहीं, तुम्हारे जैसे लोग लाते हैं मदन लाल। सर हाँ? ये लोग भी मिल गए। ओह नो, ये दोनों भी पकड़े गए, मतलब सारी बातें खुल जाएगी। और 2 मोबाइल मिला है सर। गुड। ये मोबाइल तो हमारे सेठ जी आपका मोबाइल। बापूजी मोबाइल मिल गया। चलो ये दोनों मायावी भी पकड़ी गईं। आप लोग ध्यान से सुन लो, कानून के पंजे से और पुलिस के डंडे से कोई नहीं बच सकता, अगर उसने गुनाह किया हो तो। ये तो होना ही था। यस। गलत काम करने वाले लोग आज नहीं तो कल पकड़े ही जाते। तुम लोग शायद बच भी जाते अगर डॉक्टर मालपानी यानी हमारे हाथी भाई पकड़े गए उसके बाद भाग जाते तो। लेकिन पैसों की लालच ने तुम लोगों को अंधा कर दिया था। क्या बोलते हो, कैश है तो ऐश है। गलत तरीके से कमाया हुआ कैश अब तुम्हें जेल में ऐश करवाएगा मदन लाल। तुम यही सोच रहे हो ना कि हमने तुम्हें कैसे मात दी। सही सोच रहे हो, तुम बहुत चालाक हो और हम ठहरे भोले भाले इंसान। जब तुमने कोड वर्ड बदल दिया तो मैं मायूस हो गया था, गोकुलधाम वापस जा रहा था। लेकिन जब जेठालाल की मैनेजर के साथ बात हुई और हमें यह पता चला कि संजना भी तुम्हारे साथ मिली हुई है तो हमें आइडिया मिल गया कि संजना ही हमें तुम तक पहुंचाने का रास्ता बन सकती है। हम तो तुम्हें पहले ही पकड़ लेते हैं, लेकिन ये हेलो सर इसने हमें भटका दिया। हमको पता नहीं था ये अभी तुम्हारे साथ मिली हुई है। अरे दीप्ति बेटा, हम तो स्त्री को देवी मानते हैं, लेकिन तुम तो डायल मन गई। देवी तो रक्षक होती है, लेकिन तुम इन काला बाजारियों के साथ मिलकर भक्षक बन गई। और संजना तुम भी, भगवान ने तुम्हें भोली सूरत दी उसका ये फायदा उठाया। क्या था? ये बहुत गलत किया तुम दोनों ने। हमें माफ कर दीजिए, हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। अब शर्मा के फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम सीधे सीधे बता दोगे या पुलिस के डंडे खाने के बाद सच कबूलोगे? मैं सच कबूल करता हूं। मैं सब बताता हूं। ये बताओ तुम वाटर पार्क को ऑपरेट कैसे कर रहे थे? रिसोर्ट के मालिक को मैं पहचानता हूं। मैंने उससे परमिशन ली थी कि जब तक ये वाटर पार्क बंद है मैं उसे अपने गोडाउन की तरह इस्तेमाल करूं। ओ मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया है। इस वाटर पार्क का मेन गेट हमेशा बंद रहता है, लेकिन एक छोटा गेट है जो रिसोर्ट से भी है, जो वाटर पार्क बंद होने की वजह से कोई यूज नहीं कर रहा था। और मेरे दवाई की कालाबाजारी के बिजनेस के लिए ये लोकेशन परफेक्ट था। और ऊपर से मैंने होटल के कुछ स्टाफ को पहले से ही खरीद लिया था। वो सब चोरी चुपके से मेरे लिए काम करते थे ताकि मुझे सब की खबर रहे लेकिन किसी को मेरी खबर ना मिले। और कुछ महीनों से मैंने इंजेक्शन और दवाई का सारा स्टॉक इसी में छुपा कर रखा था। और सारी मीटिंग डीलिंग इसी रिसोर्ट से करता था।
और वाटर पार्क में आने जाने के लिए हम इसी छोटे गेट का इस्तेमाल करते थे। रात को हमारे टेम्पो का आना जाना होता था और बिना किसी टेंशन के दवाई की कालाबाजारी का धंधा होता था। ये जसवंत भाई है, बदमाश। अब चलो पुलिस स्टेशन, वहां पता कर लेंगे कौन कौन लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। सच सच बोलना, नहीं तो जानते नहीं तुम। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू जी पांडे, जो झूठ बोलते हैं उनको पढ़ते हैं डंडे। सब सच बताऊंगा। राजा भाई और दूसरे जो भी कस्टमर्स के साथ मैंने ये डील की है उस पर भी बताऊंगा मैं। यस। जसवंत भाई, एक बात पूछूं, आप तो कितने अच्छे इंसान थे, फिर इस गलत राह पे कैसे चल पड़े? दुर्बुद्धि। पहले मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक ईमानदार और सेवाभावी बिजनेसमैन था, लेकिन जब से ये कोरोना आया है, कोरोना की महामारी में लॉकडाउन और खत्म चौपट, धंधा बंद हो गया। लोग घर में बंद हो गए, मजदूर लोग गांव चले गए और फैक्ट्री को ताले लग गए। मेरा इतने सालों का टूर एंड ट्रैवल का धंधा भी बंद हो गया और रोज नुकसान पे नुकसान। खर्चा तो हो ही रहा था, ऊपर से बचत भी खत्म हो रही थी। मैं हार गया था और तभी मैंने देखा कि ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा बिजनेस दवाई का चल रहा है। मुझे दुर्बुद्धि सूझी और तब से मैंने ये दवाई की कालाबाजारी का धंधा शुरू किया। और कुछ ही दिनों में इतनी कैश कमाने लगा कि ऐश ही ऐश होने लगी। और फिर ऐश करने के चक्कर में मैं अंदर ही अंदर धंसता गया। देख भाई जसवंत, बुरा समय तो हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सब लोग अगर तेरी तरह गलत रास्ते पे चलने लगे तो कोई भी अच्छा आदमी तो बचेगा ही नहीं। और ये स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी खराब काम करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दुर्बुद्धि को हम पे हावी नहीं होने देना चाहिए। और वक्त चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों ना ले, लेकिन हमें हमेशा अच्छे काम और सद्गुणों के साथ जीना चाहिए, समझा? सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, चाचा ने बिल्कुल सही कहा। कोई भी व्यक्ति जन्म से गुनहगार नहीं होता, हालात उसे गुनहगार बना देते हैं, लेकिन हालात को दोष देके हम व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, गुनहगार को माफ नहीं कर सकते। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक रखे। वक्त खराब हो सकता है लेकिन बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए, उस वक्त मन चलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा जैसा भी हो बीत ही जाता है। लेकिन इस वक्त मैं बेहद खुश हूँ, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई, सत्य का साथ देने वालों की विजय हुई, मिशन काला कौवा सफल हुआ और काला बाजारी पकड़ा गया। ये तो हो गया, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत किस्से, बहुत मस्ती, बहुत हंगामा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। मेरे बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मिशन काला कौवा सफल हो गया, केतल हो गया। अरे पांडे बेटा, लेकिन इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं चाचा जी? कल न्यूज और टीवी पर क्या है, पोपटलाल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ लिया, उसने छतरी में कैमरा रखा और बड़े स्मार्टली उनका सारा रिकॉर्ड कर लिया।
खुद अपने आप को मौत के जाल से छुड़ाकर हमारे सामने आ गया। चालू पांडे ने क्या किया, एंड में आया, उनको पकड़ा और लेके चल दिया। मैं जब घर से निकला था तो पासुंदी को कहा था कि मैं आज बहुत बड़े मिशन पे निकला हूँ, देखना ये केस मैं सॉल्व करके आऊंगा। तो मैं बासुंदी को क्या बोलूंगा?